दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीवी इंडस्ट्री में नजर आने वाली कई सारी अभिनेत्रियां दो दो अभिनेताओं के साथ प्यार कर लेती हैं, और जब इनके दूसरे बॉयफ्रेंड के बारे में उन अभिनेताओं को पता चलता है तो वो अभिनेता आपस में लड़ाई करके उस अभिनेत्री को अपनी ओर खींचने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सेम यही हाल अभिनेत्रियों का भी है? वो भी अभिनेताओं से सच्चा प्यार कर बैठती हैं और वो अभिनेता इनके साथ साथ किसी और अभिनेत्री को भी डेट करने लगते हैं, और जब उन्हें पता चलता है कि उनके बॉयफ्रेंड किसी और अभिनेत्री को डेट कर रहे हैं तो उन दोनों अभिनेत्रियों के बीच लड़ाई हो जाती है। तो इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही कुछ अभिनेत्रियों से मिलवाने वाले हैं जिनमें एक ही एक्टर के लिए लड़ाई हुई है। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कौन सी है वो अभिनेत्रियाँ। नंबर वन, कृतिका कामरा और अनुषा दांडेकर। इस लिस्ट की पहली कड़ी में कृतिका कामरा और अनुषा दांडेकर का नाम शुमार है, जिन्होंने एक अभिनेता की वजह से आपस में लड़ाई की। जी हाँ, वो अभिनेता कोई और नहीं बल्कि करण कुंद्रा है, जिनके साथ कृतिका कामरा कितनी है मोहब्बतें सीरियल में अभिनय करते हुए नजर आई थी और उनसे प्यार कर बैठी थी, पर किसी कारणवश करण कुंद्रा इन्हें छोड़कर अनुषा दांडेकर को डेट करने लगे, और जब कृतिका कामरा को पता चला कि करण कुंद्रा अनुषा दांडेकर को डेट कर रहे हैं तो इन दोनों अभिनेत्रियों ने आपस में लड़ाई कर ली, जिसमें जीत हुई अनुषा की। नंबर टू, गौहर खान और निया शर्मा। अब बात करें गौहर खान और निया शर्मा के बारे में तो इन दोनों अभिनेत्रियों ने भी कुशाल टंडन की वजह से आपस में लड़ाई कर ली थी। जी हाँ, सबसे पहले तो कुशाल टंडन एक हजारों में मेरी बहना अपने अपोजिट नजर आए निया शर्मा से प्यार कर बैठे थे, और जब इनका प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा तो कुशाल टंडन ने इनसे दूरी बना ली, कहा कि मैं बिना करियर बनाए तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ, और कुछ टाइम बाद ही वो गौहर खान के साथ रिलेशनशिप में आ गए। तो निया शर्मा को कुशाल टंडन की ये दोगली बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, जिसका गुस्सा निया शर्मा ने गौहर खान पर उतार कर लड़ाई कर ली। नंबर थ्री, आशीष सिंह और अवनीत कौर। अब बात करें अभिनेत्री अवनीत कौर और आशीष सिंह के बारे में, जो अलादीन तो नाम सुना ही होगा में एक ही किरदार निभाती हुई नजर आई है। जी हाँ, और इन दोनों ने भी एक अभिनेता की वजह से आपस में लड़ाई कर ली थी, और वो अभिनेता कोई और नहीं बल्कि सिद्धार्थ निगम है। पहले तो अवनीत कौर ने इस सीरियल में शहजादी यास्मीन की भूमिका अदा की थी और सिद्धार्थ निगम से इसी दौरान प्यार कर बैठी, जिसके बाद इसी किरदार को आशीष सिंह ने निभाया और सिद्धार्थ निगम उनसे भी प्यार कर बैठे। एक साथ दो दो अभिनेत्रियों से प्यार करने के दौरान इन दोनों अभिनेत्रियां एक दूसरे के बीच नफरत की दीवार खड़ी कर दी। नंबर फोर, शहनाज गिल और रश्मि देसाई। अब बात कर रहे हैं अभिनेत्री शहनाज गिल और रश्मि देसाई के बारे में, जिनके बीच लड़ाई सिद्धार्थ शुक्ला की वजह से हुई है। जी हाँ, दिल से दिल तक सीरियल में रश्मि देसाई सिद्धार्थ शुक्ला के साथ अभिनय करते हुए नजर आई थी, जिस दौरान सिद्धार्थ शुक्ला का दिल रश्मि देसाई पर आ गया था, पर इन्होंने उनका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। पर कुछ सालों बाद जब ये बिग बॉस 13 में एक साथ नजर आए, तब शहनाज गिल को सिद्धार्थ शुक्ला के साथ बेहद क्लोज होते हुए देख रश्मि देसाई को जलन होने लगी, जिस वजह से रश्मि देसाई ने शहनाज गिल से लड़ाई कर ली थी। नंबर फाइव, रीम शेख और जेनिफर विंगेट। इस लिस्ट की आखिरी कड़ी में रीम शेख और जेनिफर विंगेट का नाम शुमार है, जिनके बीच भी एक अभिनेता की वजह से लड़ाई हो चुकी है, और वो अभिनेता कोई और नहीं बल्कि शहबान अजीम है। जी हाँ, सबसे पहले शहबान अजीम ने जेनिफर विंगेट के साथ बेपनाह सीरियल में काम किया था, जिस दौरान इनको एक दूसरे से प्यार हो गया था, पर फिर किस बात पर लड़ाई हो गई, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, और कुछ टाइम बाद ही वो तुमसे राब्ता सीरियल में रीम शेख के साथ काम करने के दौरान उनसे प्यार कर बैठे। और जब इस खबर के बारे में जेनिफर विंगेट को पता चला तो ये रीम शेख से खुलकर लड़ाई तो नहीं कर पाई, पर चिढ़ती जरूर है, और यही सेम रिम भी करती हैं। तो दोस्तों, क्या आपने भी कभी अपने प्यार की वजह से किसी से लड़ाई की है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही एक्टिंग की दुनिया से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।